संग दिल नौजवान ने किया अपनी हमसाई का सफाकाना कत्ल। यासर जो है वो घर में चोरी के लिए दाखिल हुआ था और वहाँ पर चोरी कर रहा था कि इस जो शाजिया बीबी खातून थी वो घर में अचानक आ गई और उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये हमारा पड़ोसी है। मैंने कहा कि मैं बदनाम कर दूंगी तो ये मोहल्ले वालों जिसकी वजह से मैंने उसे मार दिया। जब हम अंदर गए तो वो डेड बॉडी पड़ी थी, आरी लगी हुई थी गर्दन पे कटी थी, गला दबाने के साथ साथ फिर उसकी फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर उसने उसके गर्दन में भी अच्छे जख्म किए आरी के साथ। चोरी करने गया था ऊपर से वो आ गई जिसकी वजह से मेरी और उसकी टूटू मैमे हुई तो मैंने उसे आरी के साथ मार दिया। आरी कहाँ पे चलाई? गर्दन। नौजवान हमसाए के हाथों हमसाई के कत्ल की लर्जा खेज वारदात, दिल दहला देने वाले मुहरकात, हकायक खौफनाक। क्यों किया हमसाए ने अपनी हमसाई का बेईमाना कत्ल? जंग में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया, जहां घर में पड़ी थी खून में लथपथ एक खातून की लाश जो उसी के घर की मुकीन और तीन बच्चों की माँ थी। बजाहिर खातून के गले पर वार करके इसे कत्ल किया गया था। पुलिस के लिए था ये एक अंधा कत्ल, लेकिन तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि इस औरत को हमसाए लड़के ने कत्ल किया। पहले सफाक हमसाए ने खातून का गला दबाया, फिर आरी से उसका गला काट डाला और फिर फरार हो गया। ये नौजवान हमसाई के घर में क्या करने आया था? हमसाई ने नौजवान हमसाई को क्या करते पकड़ा? हकीकत थी खौफनाक। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। इसको तो ये था कि मैंने चोरी करके छत से ही चले जाना है, तो वो आने में इसकी मुसामत होगी। पहले गलत बनाया, उसके बाद इसने आरी से बैठ गया। जिस दिन मर्डर हुआ है वो भी ये चोरी करने उनके घर आया हुआ था, तो वो मकतूला जो थी वो अनफॉर्चुनेटली वो उसका वो टाइम नहीं था घर आने का, बट उस दिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो जल्दी आ गई और वो जब उसने इसको रंगे हाथों पकड़ा तो इसने रिएक्शन में फिर उसको वहीं पे दबोच लिया और वो मर्डर किया। तो ये बकायदा ग्लव्स वगैरह पहन के गया, इसने उसको दबोच लिया गले पे ऐसे पीछे से। उसके वालिद को चूंकि उसी रात पता चल गया हुआ था कि ये मर्डर उस बच्चे से हुआ है, वो उस प्रेशर में आकर उनकी डेथ हो गई हार्ट की इशू की वजह से। ग्लव्स पहन के ये चोरी करने जाता है, पकड़ा जाता है, माफी मांगे तब भाग जाता है, उसको मारता ना। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है जंग में और अभी हम बात करेंगे जंग में हमारे सीनियर रिपोर्टर मुबशर नकवी से एक ऐसे अंधनाक वाकये के हवाले से जिसमें बड़ी बेरहमी से एक नौजवान लड़के ने अपने हमसाई का कत्ल कर दिया। जी मुबशर कैसर भाई, ये जो वाकया था ये 16 दिसंबर का था और इसमें जो पड़ोसी है इसने अपने करीबी खातून थी पड़ोसी उनको कत्ल किया, बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। 24 ने इस खबर को ब्रेक भी किया था। इसमें ये जो यासर जो है वो घर में चोरी करने दाखिल हुआ था और वहाँ पर चोरी कर रहा था कि इस जो शाजिया बीबी खातून थी वो घर में अचानक आ गई और उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये हमारा पड़ोसी है और उसने उसको कहा भी कि पहले जो चोरी हुई थी वो भी आपने ही की है, जिस पर इन दोनों के दरमियान खासी हाथापाई हुई और इसने जो है पहले इसका गला दबाया खातून को और बाद में इसको जो है वो आरी ब्लेड से की गर्दन ये जो है वो काट डाली। व्यूअर्स अभी हमारे साथ मौजूद है जी, वो सफाक कातिल अभी इसको देख के नहीं लगता कि ये इतना खतरनाक हो सकता है। किस तरीके से जालिम ने पहले गर्दन दबाई उसके बाद फिर गर्दन उस आरी से काट डाली। अब ये आजकल के नौजवान 18-19 साल इसकी उम्र है, अब इस उम्र में इतनी घिनौनी वारदात करना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई प्रोफेशनल किलर होगा वो भी ऐसा ना किसी को मारे जिस तरह इस लड़के ने उस खातून को कत्ल किया। उनके घर जाके पहले ये चोरियां करता था, उसके बावजूद भी कभी उन्होंने मोहल्ले में, क्योंकि इसका और उनका घर बिल्कुल साथ साथ था, उन्होंने कभी कोई FIR नहीं दर्ज करवाई, कोई शक का इजहार नहीं किया। वो लोग बेचारे मरवत में मारे गए कि जी हमारे हमसाए तो बहुत अच्छे हैं, उनके वालदैन बड़े शरीफ हैं, ये शक्ल से बड़ा मासूम लगता है, बड़ा शरीफ आदमी है, तो हमारे हमसाए तो ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन इसी जालिम ने बड़ी बेरहमी से उस खातून को कत्ल कर दिया। नाम क्या तुम्हारा? यासिर। हाँ यासिर। यासिर क्या करते हो? सद्दीन। हाँ पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैथ के पेपर दें। मैट्रिक के पेपर दिए? इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है उस बदनसीब खातून के वाल साहब के साथ जिसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। बेसिकली ये एक अंधा कत्ल था जिसे DPO झंग हसन साहब के अहकाम पर झंग पुलिस ने ट्रेस किया, हल किया और असल कातिल तक झंग पुलिस पहुंच गई। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी काबिल गौर है कि वो कहते ना कि अचानक से जिंदगी बदल जाना,
इस जो खातून है इनके खानदान और इनके बच्चों की जिंदगी भी अचानक जो है वो कहते ना कि बिल्कुल हिल कर रह गई, बदल कर रह गए। उनके वालिद से हम बात करते हैं कि क्या हुआ था और उनके घर में ही इतनी बेरहमी से उनको कौन कत्ल करके चला गया। सबसे पहले जी हमें तो बड़ा अफसोस है सर, अल्लाह ताला आपको सब्र दे कि एक तो वो कहते ना कि रूटीन की जिंदगी चल रही होती है और अचानक से इतना बड़ा सानहा हो जाता है कि इंसान जो है हिल कर रह जाता है। तो अब ये बताएं कि आपकी जो बेटी है वो अपने खावन के घर रह रही थी? खावन के घर में रह रही थी, खावन के घर में रह रही थी। ठीक है, कितने बच्चे थे उनके? तीन बच्चे थे, एक बेटी दो बेटे। उनकी उम्रें बता सकते हैं आप? उम्र बताए, बड़ी लड़की जो है वो FSC में पढ़ती है, उससे छोटा लड़का जो है नामी में पढ़ता है, उससे छोटा लड़का पांचवी में पढ़ता है। अच्छा, तो ये क्या वाकया हुआ था, किस आप कैसे पता चला? जब पहले तो बताइए कि मर्डर का आपको कैसे इल्म हुआ कि उनका कत्ल हुआ? वो ऐसे हुआ कि हमारा घर और मेरी बच्ची के घर में कम अज़ कम 100-150 फुट का दूसरी गली में घर है। तो मैंने 8 बजे गया, पहले वो एकेडमी से बच्ची को छोड़ के ना वो हमारे घर आया करती थी, अक्सर हमारे घर में ही वो खाना वाना बच्चों को वहीं। तो वो घर गई अपनी चादर उठाने के लिए, हमें यहाँ नहीं पता था कि वो घर गई है या एकेडमी बच्ची को लेने गई है। काफ़ी देर हो गई, मैं गया उसके घर पे तो बाहर ताली लगी हुई थी, जो कि हम नज़र आती थी कि ये हमारी ताली नहीं है। उसी ताली की जिस दियो में ना हमने वो दरवाज़ा तोड़ा कि ये तो हमारी ताली है नहीं, वो आई नहीं अभी तक, काफ़ी लेट हो गई है। जब हम अंदर गए तो वो डेड बॉडी पड़ी थी। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है जी, DPO जंग हसन साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे एक अंधे कत्ल के हवाले से जिसको जंग पुलिस ने इनके अहकामात पर बरवक्त ट्रेस आउट किया और असल कातिल तक पहुंचे। जी सर बताइएगा। ये केस हमारे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता था और उसकी वजह ये थी कि एक ब्लाइंड मर्डर था और एक बड़ी इनक्लोज्ड सी कम्युनिटी के अंदर हुआ था जिसमें बाहर से किसी का आकर ये काम करना मुमकिनात में नहीं लगता था, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था हमें। हमने जो भी टेक्निकल हमारे तरीका है कार हैं वो हमने ब्रूए कार लाए, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो मुलज़िम है उसका Day 1 से उस पर शक तो पुलिस को चला गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके वालिद को चूँकि उसी रात पता चल गया हुआ था कि ये मर्डर उस बच्चे से हुआ है, और वो उस प्रेशर में आकर वो सकम कर गए और उनकी डेथ हो गई हार्ट की इशू की वजह से। तो पुलिस थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई और उस बच्चे को इग्नोर कर दिया इनिशियल प्रोब के अंदर। लेटर ऑन पे जब डेवलपमेंट्स हुई तो इसको थोड़े से इंजरीज भी थी इसके ऊपर, और उस हवाले से जब बात निकलती गई मोहल्ले में तो फिर इसको नैरो डाउन किया, और कुछ उनके पहले इस घर में एक वारदात पहले हो चुकी थी उसको लिंकअप किया और इसकी एक्टिविटीज़ को देखा। बिकॉज़ जो पिछली वारदात हुई थी उसमें 30,000 रुपया इस घर से चोरी हुआ था और वो रिपोर्टेड केस नहीं था। वो जब पुलिस को अपने लेवल पे पता चला कि ये वारदात हो चुकी है और इस लड़के के लाइफस्टाइल को देखा गया, मैच किया, तो वो उससे जाहिर हुआ कि कुछ पैसा इसके पास अचानक आया है जिससे इसने कुछ शॉपिंग की है, लाहौर भी आना आता जाता रहा है, होटल्स पे भी देखा गया है, लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है। तो उससे फिर जब चीज़ों को लिंकअप किया तो ये ब्रेक थ्रू हमें मिल गया। और इसमें टेक अवे हमारा ये था इस सारे मामले के बाद कि एक छोटे से वाक़े से एनकरेजमेंट मिलने के बाद इस बच्चे ने, चूँकि ये हमसाया था और ये अक्सर दीवार टाप के इनके घर आ जाता था और फ्रिज जो इनका बरामदे में पड़ा होता था उससे खाने पीने की चीज़ें चुराया करता था, वहाँ से जब ये एक दो दफ़ा कामयाब हुआ तो इसको इनकरेजमेंट मिली और ये वहाँ से फिर उनके एक दिन इसने अलमारी खोली, पैसा चोरी, उसमें से 30,000 रुपया इसको मिल गया। वहाँ से ये फिर जब जिस दिन मर्डर हुआ है वो भी ये चोरी करने उनके घर आया हुआ था, तो वो मकतूला जो थी वो अनफॉर्चुनेटली वो उसका वो टाइम नहीं था घर आने का, बट उस दिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो जल्दी आ गई, और वो जब उसने इसको रंगे हाथों पकड़ा तो इसने रिएक्शन में फिर उसको वहीं पर दबोच लिया और वो मर्डर कर दिया। एक
की गर्ज से घर में दाखिल होने वाला नौजवान घर की मालकिन को देखकर चौंक गया, क्योंकि नौजवान पहले भी इस घर से पैसे चोरी कर चुका था। उसे डर था कि उसकी चोरियों का भांडा फूट जाएगा, इसलिए उसने अपनी हमसाई औरत को जान से मारने की ठान ली। इस अफाक दरिंदे ने अपनी हमसाई को कैसे कत्ल किया, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। कत्ल कैसे किया इस औरत को? चोरी करने गया वो आगे मैंने मार दिया। क्या हुआ? चोरी करने गया वो आगे फिर मैंने मार दिया। चोरी करने गए थे? हाँ। तो कैसे कत्ल किया उसे? आड़ी के साथ। किसके साथ? आड़ी के साथ। तो बचने की कोशिश नहीं की? मतलब तुमसे हाइट में छोटी थी बड़ी थी वो? बड़ी थी। अकेले थे या कोई और भी था तुम्हारे साथ? अकेले थे। हाँ? अकेला था। तो कैसे तुमने उनको काबू कैसे कर लिया? पहले गले में क्या समय पता चला गले में फंदा डाला तुमने उनके? हाँ, चोरी करने गया था जिसकी वजह से वो आगे उसने देख लिया और मैंने उसे कटा कर लिया। किसने देख लिया तुम्हें? उसी औरत ने। किन के घर चोरी करने गए थे तुम? हमसाये के घर। हमसाये के घर। तुम्हारा घर साथ साथ है उनके? हाँ जी। हाँ जी। इससे पहले कितनी बार गए उनके घर? एक दफा गया था। अच्छा, इससे पहले एक दफा गए हुए थे? हाँ जी। आरी लेके गए थे साथ? हाँ जी। ग्लव्स वगैरह भी लेके गए थे साथ तुम? हाँ। ग्लव्स क्यों पहन के गए थे? फिंगरप्रिंट आए तुम्हारे? हाँ जी। ये जी आजकल ये मुख्तलिफ वो कहते हैं ना कि फिल्में देख देख के जो दिमाग ख़राब हो जाता है और कैसे बचा जाए मुख्तलिफ वारदातों से, अब ये इकरार कर रहा है जी कि मैं चोरी करने गया था और वो आ गई खातून ऊपर से और मैंने उनको मार डाला और कत्ल किया गर्दन पर आरी चलाकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मकतूला के भाई और उनसे हम बात करेंगे इस सारे मामले के हवाले से। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको किसी पे शक था कि आपकी बहन को कोई इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं था क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना किसी किस्म के हमारे कभी लड़ाई हुई थी। बिल्कुल पुरअमन माहौल था हमारे एरिए का, बहुत अच्छा चल रहा था। हमें जो पहला शक हुआ है ना, वो यही था कि ये कोई चोरी की वारदात है, क्योंकि उसके कट लगे हुए थे ना कवर्ड पे, तो हम यही सोच रहे थे कि ये बिल्कुल, और उसकी वो सिनेरियो यही था कि वो कट भी लगे हुए थे और पहले भी उसी जगह से पैसे चोरी हुए थे। इस वजह से हमें यही था कि ये कोई चोर ही है जिसने ये ऐसी हरकत की है, शायद उसने पहचानने पर की है या कुछ ज़्यादा मजामत पर की है, तो यही था। इस एक्चुअली उसके अलावा हमारी किसी भी से भी कोई लड़ाई नहीं थी। तो ये कब से हमसाए हैं आप लोगों के? ये तकरीबन आज से 2-3 साल पहले उन्होंने ये मकान लिया था, तो ये ऊपर से खड़े होके उस हमारी सिस्टर के ये था कि वो अंदर वाले जो दरवाजे थे ना वो लॉक नहीं करती थी अक्सर औकात, क्योंकि अपने घर थे, वो कहती थी किसने आना है किसने जाना है, अगर कोई आया जाए भी अपना भी आ जाएगा। तो ये ऊपर से खड़े होके इसको सारी सिचुएशन का पता था। तो उस दिन भी यही था कि एक बिजनेस का प्रोग्राम था हमारे घर में, तो औरतें भी आई थी काफ़ी सारी, तो हमने यही कहा कि वो जब रात हो गई मेरा बनोई दुकान से आया, उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और सो गया अपोजिट रूम में, कुंडी लगा के मौसम ठीक था, अंदर से कुंडी लगा के सो गया, क्योंकि इसकी एंट्री थी बाहर के घर की। तो हमें यही था कि यार पता नहीं कल शायद मजलिस में मिस हैप हो गया हो, को बच्चा उठा के ले गया हो, हम किसी को क्या कहें, हम बुरी बात है किसी को घर बुला के फिर उनको ये कहें कि हमारे पैसे चोरी हो गए, हम खामोश हो गए, मसले तन पे चलें छोड़ दें। लेकिन उसके बाद हमने वहाँ से पैसे भी वो शिफ्ट कर दिए मेरी सिस्टर ने, और उसने अपना जो दहेज जो भी सामान था उसने साइड पर कर लिया, उसकी चाबी जो थी बच्चे के पास उसने ले ली, अपना छोटा मोटा सामान रख दिया, उससे चाबी गुम हो गई बच्चे से। अब वो या तो चाबी होती तो खुला रहता तो ये शायद नौबत ही ना आती, वो लॉक लगा हुआ था दरवाजा उसका कवर्ड का, तो इसने ये वो आरी भी ली और इसने दस्ताने भी खरीदे लिए किसी से, पूरा प्लान करके, क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पे पैसे मैं उठा के आया हूँ, अब उसी पे जाके पैसे मैंने उठाने हैं, वो उसी पे आया, वहीं पे कट लगाया है उसने। और उसी दौरान आपकी बहन आ गई? हाँ, और उसी दौरान वो बच्ची को छोड़ के आती थी घर, हमारे घर आ जाती बैठ रही थी, जब बच्ची को ले के फिर घर आती थी, उस दिन वो गई है कि उसने कहा मैं चादर भी उठा लूँ, मैं नमाज भी पढ़ लूँ भाई, उसके बाद मैं चली जाऊँगी बच्ची को लेने। तो एक्चुअली इसकी ना ये टाइमिंग होगी थी गलत, और ये भी था कि इसको तो ये था कि मैंने चोरी करके छत से ही चले जाना है, उसकी इंटरेस्ट भी थी एग्जिट भी था आराम से, तो वो आने में इसकी मजामत होगी। और इसने गर्दन पे कट लगाया आरी के साथ, ये जो पाइप काटने वाली होती है छोटी आरी इसके साथ जिससे वो काट रहा था, वो गए पहले गलत बाया, उसके बाद इसने जो है वो आरी से कट किया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितने ज़ालमाना तरीके से इस कातिल ने एक खातून का कत्ल किया है और इनके पूरे घराने की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमारा मकसद जुर्म बेनकाब प्रोग्राम करने का सिर्फ ये है कि इसमें
अब 18-19 साल का एक नौजवान लड़का, बजाय इसके कि वो पढ़ाई पे तवज्जो दे, बजाय इसके कि वो सही मामलात करे, वो प्लानिंग कर रहा है अपने हमसायों के घर कि किस तरह चोरी करनी है, वहां से किस तरह पैसा लेके जाना है। और जब पकड़ा जाता है तो वो किसी प्रोफेशनल कातिल की तरह कत्ल कर देता है और उसके बाद फिर गायब हो जाता है। हमसाया नौजवान अपनी खातून हमसाई के घर से 30,000 रुपए चुराने के बाद और उन पैसों को अयाशियों में उड़ाने के बाद एक बार फिर पैसे चुराने गया, लेकिन उस औरत के हाथों पकड़े जाने पर उसके दरमियान क्या बहस हुई जिसने नौजवान को इस औरत की जान लेने पर मजबूर कर दिया। हकीकत होशरुबा थी। कितनी देर लगी तुम्हें ये सारा लड़ाई झगड़ा जो हो रहा था उनके साथ? 10 मिनट। 10 मिनट लगे तुम्हें? अच्छा, 10 मिनट में उन्होंने बचने की कोशिश की होगी। तुमने हमला कर दिया उन पे आते ही? उन्होंने कोई बात कही होगी? पहचान लिया था उन्होंने तुम्हें? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं। हाँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहा? तो फिर तुमने क्यों कत्ल कर दिया उन्हें? पहचान लिया था। हाँ? पहचान लिया था। पहचान लिया। कत्ल करके फिर कहाँ चले गए तुम? वहीं से ऊपर घर से, अपने घर चले गए? हाँ। हाँ जी। फिर जाके तुमने अपने वालिद को बताया? हाँ। उनको उसी रात को हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई उनकी? जी। हाँ जी। ये देखे नाजरीन, यहाँ पर अलमिया है, शरीफ लोगों के घर अगर कोई नाफरमान औलाद पैदा हो जाए तो उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिस दिन इसने कत्ल किया उसी रात को जाकर इसने अपने वालिद को बताया, और इसका जो वालिद है उसी रात ही हार्ट अटैक से, इसी गम से वो उनकी डेथ हो गई। और इस वक्त ये यहाँ पर खड़ा कितना मासूम लग रहा है। क्या आप समझते हैं कि हमसायों के घर रेगुलर चोरी करने वाला ये लड़का एक दिन जब चोरी कर रहा होता और ऊपर से घर की मालकिन आ जाती जो उनकी हमसाई थी, इसकी हमसाई थी, तो बजाय इसके कि ये उनसे माफी मांगता, चोरी भी गलत काम है लेकिन कत्ल से बड़ा गुनाह नहीं है, तो इसको चाहिए था माफी मांग लेता या भाग जाता वहां से। इसने बाकायदा तौर पर उन्हें पहले मारा, जदोकोप किया, इतनी हाइट है इसकी, इतनी एज है, लेकिन जिस तरीके से, जिस दरिंदगी से इसने उस खातून को कत्ल किया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिमाग खराब हो गया आजकल के नौजवानों का ड्रामे और फिल्में देख देख के ऐसी, जिनमें इस तरह की वारदातें, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ गया था, ग्लव्स लेके गया था, इसके फिंगरप्रिंट भी नहीं आने थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अखलाक साहब, और उनसे बात करेंगे इस केस के हवाले जिसमें एक नौजवान ने बड़ी बेरहमी से एक खातून का कत्ल कर दिया। जी अखलाक साहब, बताइएगा कि ये क्या वाकया था और क्या वजूहात थी इस कत्ल की? ये 16/12/2019 की रात की बात है, तकरीबन 8-8:30 बजे का वक़ूअ हुआ। ये एक नौजवान है यासिर, ये जो बिल्कुल उनका पड़ोसी है, इनके जो घर की छत के ऊपर वो पर्दा लगा होता है ना, वो तकरीबन 3 फुट या 4 फुट मैक्सिमम ऊंचा है। उनके जो रहायशी कमरे से 7 मुंसले के सामान वाला कमरा, उसकी कबर में से कुछ पैसे सुबह उन्होंने आके जो देखा तो अलमारी खुली हुई थी और सामान बिखरा हुआ था, तो कुछ पैसे गायब थे। तो उस खतून ने जब जाके वो पैसे संभाले, उनको कमेटी मिली थी, उनका स्टोर है, तो पैसे गायब थे। तो जिस रात ये वकूआ हुआ है, वो बेटी को ट्यूशन पे छोड़ने जा रही थी, वो चादर थोड़ी हल्की, उस रात ना मौसम ख़राब था, ठंड थी, ज़्यादा थी, कुछ हल्की कभी कभी बारिश भी हो रही थी। तो वो जब बेटी को ट्यूशन पे छोड़ आई है, वापस आई है, उसको चादर के लिए ज़रूरत पड़ी है। ये इस दौरान इसने तो अपनी रूटीन देखी हुई थी कि वो इसने फलांग के अंदर गया हुआ था, सामान वाले कमरे से ये चोरी कर रहा था, लेकिन इसने पहले कहीं देख लिया था कि अब उसको ये ताला लगाते हैं। तो ये बकायदा आरी ग्लव्स वगैरह पहन के गया। प्री प्लानिंग तो उधर से ये जब कर रहा है, वो अचानक कंधे आई हैं, लाइट ऑन की है ना, तो ये चौंका है, ये बाहर आ गया। फिर इसने जब उस खतून ने देखा कि जैसे एक बड़ी खतून कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम ये चोरियां करते रहे हो हमारी इतने अरसे से, तो मैं महल्लेदारों को भी बताती हूँ, पुलिस को भी बताती हूँ। चूँ ही उस बेचारी ने वो इरादा किया है,
तो इसने उसको दबोच लिया लेफ्ट हैंड से, उसके गले प्यासे पीछे से पकड़ लिया, घसीट के उसको वो जो जहाँ पे अक्रेंस वाला वो रूम है वहाँ पे ले गया। तो पहले उसने उसका गला दबाया, वहाँ पे इनकी फिर हाथापाई हुई है, उसके हाथ से इस मुलजम के हाथ से फिर एक हाथ इसने गर्दन वाला तो छोड़ा नहीं, दूसरे आरी वाले हाथ का वो आरी नीचे गिर गया, आरी ब्लेड जो होता है ना, सिर्फ उस वो पूरी आरी नहीं थी, जस्ट उसके अंदर जो ब्लेड यूज़ होता है ना वो शार्प था, न्यू था, वो था, वो इसके हाथ से नीचे गिरा है। तो उसके हाथ में वो बाई चांस आ गया, तो उसने वो नीचे से ऐसे ना इसको मारा है, यहाँ पे इसका निशान भी है, तो उसके चेहरे पे भी खराशें आई हैं, तो इसने ये फिर उस गर्दन पे भी जख्म दिए हैं, यानी बकायदा उसने उसको आरी के साथ, हाँ पहले गला दबाया है और गला दबाने के साथ साथ फिर उसकी फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर उसने उसके गर्दन में भी अच्छे जख्म किए आरी के साथ, आरी के साथ, तो फिर ये मौका से फरार हो गया। इसको देख के नहीं लगता कि इतना ये सफाकाना तरीके से ये वारदात करेगा, यानी कि एट द स्पॉट जैसा कि आप बता रहे हैं जिस तरह उसने किराया, फिर घसीटा, फिर गला दबाया, उसके बाद फिर गर्दन पे वो आरी फेरता रहा, तो ये इस वक्त ये बीइंग होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब काफ़ी सारे केसेस किए हैं, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरा एक किस्म का कह लें तजिया कह लें, जैसे आपका सवाल है उस हवाले से, कि जो कत्ल का मुकदमा होता है या जो कातिल होता है ना, वो किसी भी उम्र का, किसी भी जिसामत का, किसी भी वक्त, किसी भी तरह, किसी भी आला कत्ल से किसी को भी किसी तरह कत्ल कर सकता, मतलब ना ये इसमें ना कोई साइंस नहीं रह जाती, जो हम कहते हैं ना हार्ड एंड फास्ट रूल, इस पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। अमूमन अक्सर हमसे ये सवाल होता है यार ये कैसे हो सकता है, हम कहते हैं ये 30 सेकेंड 35 सेकेंड की ये कैफियत होती है जो मुलजम पर आ जाती है और वो वकुआ कर लेता है। जब ये नौजवान हमसाया अपनी हमसाई को कत्ल करने के बाद हमसाई का गला काट कर अपने घर चला गया और अपना गुनाह छुपाने के लिए खून से रंगे हाथ और कपड़े धोने लगा, तो उस वक्त उसके वालिद ने उसे देख लिया। इस नौजवान हमसाये ने अपने वालिद को ये सच तो बता दिया, लेकिन वो अपनी बेटी की घिनावनी हरकत का इस कदर गम ले गए कि दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। लेकिन ये सफाक दिनदा एक कत्ल और फिर अपने वालिद की वफात पाने के बाद किस वजह से पकड़ा गया, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। इसकी जो एक्टिविटी थी ना, इसके हमारे जो कि बिल्कुल हमसाए में थे, हमें पता था कि इसको कितना घर से खर्चा मिलता है, जो रूटीन मैटर्स की थी, इसके जो खर्चे थे ना वो शो कर रहे थे एक्टिविटी। बाद में भी हमें ये महसूस होने लगे कि ये कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि ये स्नोकर पे जुआ खेलना और इस तरह के अपर और पैंट शर्ट, जबकि इसका वालिद इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई कनात पसंद था, वो आई थिंक इतने पैसे इसको देते ही नहीं होगा जितने ये एक दिन में उड़ा जाता था, पूरे महीने में इतने पैसे नहीं देता होगा। तो ये जुआ और इस तरह की स्नोकर और ये अपर बूट और इस तरह की बहुत कॉस्टली चीज़ें पहने लग गया था, तो हमें ये भी डाउट था कि मे बी ये हो। हम थे तो इन्वेस्टिगेशन में खुद ही कि यार कहीं से हमें चोर का पता चल जाए, क्योंकि जिसने चोरी किया जाहिर है उसी ने मर्डर किया है, कि उसी जगह पर जिस जगह पहले चोरी हुई है उसी जगह पर कट मार रहा है, इट मीन्स कि वही बंदा है। हम यही थे कि कौन है ऐसा बंदा जिसने ये हरकत की है, तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ भी मशकूक थी कि ये जो है ना इस तरह का शो कर रहा था कि ये था, लेकिन चूंकि ये महल्लेदार था, इनके जो बड़े थे वो शरीफ नहीं हो रहा था, शरीफ लोग थे, हमने कहा ये नहीं हो सकता। इसी तरह नाज़रीन, जब आप लोग बाज़ औक़ात मरव्वत में बहुत सारे मामलात में इंसान मारा जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो ये तो हमारे हमसाए हैं, इनके वालदैन बड़े शरीफ हैं, ये तो ऐसा नहीं कर सकते या कोई ऐसा बंदा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मामलात भी सामने आते हैं जिस पर आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते कोई इस तरह की हरकत कर सकता है, असल में वही शख्स जो है वो घिनावना काम कर चुका होता है और हमारी नज़रों के सामने रहकर भी वो हमारे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल उस ओझल होता है इस मामले से कि शायद ये भी कोई इस तरह कर सकता है, लेकिन अभी वो कानून की गिरफ्त में है और जो इस केस के मुदई हैं यकीनन उन जो खातून के वालिद हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, भाई से भी मेरी बात हो रही है, ये लोग यही चाहते हैं कि कानून के मुताबिक उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि जिसका अपना जाता है ना फिर वो लौट के नहीं आता। अब किसी के गलती कह देने से या किसी के ये कह देने से, वो उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था, मैं डर गया था, मैंने कत्ल कर दिया, जिसकी जान गई है वो वापस नहीं आएगा, 3 बच्चों की माँ वापस नहीं आएगी, उस शोहर की बीवी, उस बाप की बेटी, उस भाई की बहन वापस नहीं आएगी। तो इसलिए इस तरह के केसेस में
जहां कहीं भी कोई किसी की दहक जान लेता है उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। का शिकार नौजवान अपनी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पहले चोर बना और फिर पकड़े जाने पर कातिल बन गया और जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। टीम जुर्मे नकाब से बात करते हुए सफाक दरिंदे ने मजीद दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। चोरी करने गया था, ऊपर से वो आ गई, जिसकी वजह से मेरी और उसकी टूटू मैमे हुई। अच्छा, तो मैंने उसे आरी के साथ मार दिया। आरी के साथ? आरी कहाँ पे चलाई? गर्दन पर। गर्दन पे चलाई? हाँ जी। टूटू मैमे क्या हुई, क्या बात की उसने? उसने देख लिया था, इसलिए देख लिया था, पहचान लिया था। हाँ जी। तो फिर क्या कहा उसने? उसे कहा कि मैं मेरे नाम कांड लूँगी तुझे मोहल्ले वालों पे। हाँ, जिसकी वजह से मैंने उसे मार दिया। तो मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, चोरी कर रहे थे ना? बस गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई। कितनी देर लगी तुम्हें कत्ल करने में? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट आता भाई हुई होगी दोनों की आपस में? हाँ जी। हाँ, वेट, कैसे पहले गिराया उनको, गिराया कैसे और तुमने कैसे पहले दुपट्टे से गला दबाया, क्या किया? दुपट्टे थे। दुपट्टे से? हाँ। कितनी देर दबाए रखा गला उसको? 2-3 मिनट। उसके बाद? उसके बाद वो गिर गई। फिर वो आ रही थी, मैंने उसके साथ उनका गला दबा, आरी गले पे चला दी। हाँ जी। तुमने ग्लव्स पहने हुए थे? पहने हुए थे। तुम्हारे मतलब ये सोच के ये थे चोरी करने जा रहा हूँ, ग्लव्स पहन के जाऊँगा? हाँ जी। फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे? उसके बाद फिर कत्ल करने के बाद फिर कहाँ गए तुम? घर चले गए। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर घर के वो वाले साहब ने पूछा था। अच्छा। फिर मैंने उनको बताया कि यूं यूं करके मेरे से गलती हो गई, मैंने कत्ल कर दी। अच्छा। फिर बस वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा। उनकी डेथ किस दिन हुई? 3rd दिन। हार्ट अटैक से? हाँ जी। इसी खौफ से। कितने बहन भाई हो तुम लोग? 3 भाई। तुम बड़े हो छोटे हो? सब छोटे। मैं सबसे छोटे हो? हाँ जी। तो क्यों इस तरह के कामों में पड़ गए, क्यों चोरियां चकारियों में? हमें पता चला है गली मोहल्ले में जुआ लगा के स्नूकर भी खेलते थे तुम? खेलता था। हमसाये के हाथों चोरी और कत्ल की इस वारदात पर दो लोग अपनी जान गंवा चुके थे। चोर हमसाये ने अपनी हमसाई को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से इसी हमसाये के वालिद को मालूम हुआ तो वो भी सदमे से जान की बाजी हार गया। लेकिन मरने वाली खातून का वालिद अपनी बेटी के कत्ल के सदमे में रोज जीता मरता है, क्योंकि जाय वारदात पर सबसे पहले वो पहुंचा। उसने वहां क्या मंजर देखा, हकीकत दर्दनाक थी। आरी लगी हुई थी गर्दन पे। गर्दन कटी हुई थी? कटी थी। अच्छा। तो ऊपर जो है ना उसकी चादर डली हुई थी। 15 पे मेरे बेटे ने फिर टेलीफोन किया, पुलिस आ गई, पोस्टमार्टम के लिए ले गया। तो पोस्टमार्टम जब गए तो वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि ये गर्दन टूटी हुई है, गला भी दबाया गया है और तेज़ धार आले से इसे ज़ख्म किया गया। और उनकी उम्र कितनी थी? मेरी बेटी की 39-40 साल। 40-39 साल। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक लम्हे में सारी ज़िंदगी जो इंसान की वो बर्बाद हो जाती है। और उस वक्त तक ये अनथा कत्ल था, किसी को कुछ इल्म नहीं था। आपको कुछ पता था कि ये कौन मार गया, कैसे हुआ था? कोई नहीं पता था। अच्छा। थोड़े दिनों में ये हमें मिला, मुझे मिला कि इसके चेहरे पे दाग था और वो एक कट था गले पे। ये लड़का जो है। लेकिन हमने अनसुनी कर दी, से पूछा, किसी आदमी ने पूछा कि ये, हमने तो अनसुनी कर दी, ये बच्चा है हमारा, ऐसे कत्ल, ये मर्डर कत्ल है, ये कैसे कर सकता है? वो भी इतने जालमाना तरीके से तो किसी आदमी ने इसको पूछा कि ये, हमने नहीं पूछा, किसी आदमी ने पूछा कि ये कट कहाँ से लगा है? ये कहने लगा कि मेरे कॉलेज में लड़ाई है। तो उस आदमी ने फिर उस किसी आदमी से पूछा कि ये कॉलेज में पढ़ता है? उन्होंने कहा नहीं पढ़ता। इस वजह से हम ज़्यादा मशकूक हो गए। कुछ दिनों बाद एक महल्लेदार हमारे पास आया, उसने कहा कि यासिर ने मेरे साथ सारी कहानी कर ली है कि मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे मलकों से माफ़ी लेकर थे। उसी दौरान हमने FIR जो है ना वो कटवा दी। तो ये इसने बताया है क्या कि किस वजह से इसने कत्ल किया? आज से मुहर्रम सफर में जो है ना
वहाँ हमारी बेटी के घर मजलिस थी सफ़र के आखिरी महीने में, आखिरी दिनों में, तो वहाँ से हमारी चोरी होगी रात को। तो ये नहीं पता चल रहा था कि ये चोरी किसने की है, हम ही खामोश हो गए, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वो चोरी भी इसने की है, 40,000 रुपया। अच्छा, 40,000 रुपया घर से चोरी कर ये उनकी छत है ना, हमारी छत, मेरी बेटी की छत एक जैसा है बिल्कुल, दरमियान में वो पर्दा है 2.5 फुट का। ठीक है, तो ये रात को छलांग लगा के उधर आया, वो दूसरे कमरे में थे बच्चे और उस खामिद, तो ये 20-40 हज़ार लेकर चला गया। जब वो अजानों पर दिमाग पे उठा तो दरवाज़ा खुला था, तो चेक किया तो वो 40,000 वहाँ नहीं था। और जिस दिन आपकी बेटी का मर्डर इस लड़के ने किया उस दिन भी चोरी करने आया था, चोरी बिल, और वो फिर अचानक से वो टाइमिंग गलत होगी, वो बिफोर टाइम आ गई ना, पहले वो अपनी बच्ची को लेके आती थी, उस दिन वो लेने लगे ना गई, अपने घर आ गई, फिर चादर उठा के जाऊंगी और उधर लेकर आऊंगी, ठीक है, बिफोर टाइम आ गई। और इसने फिर ये बिफोर टाइम इसने कहा था कि वो बच्ची तो चली गई है स्कूल में, छोड़ने के लिए 2-2.5 घंटे लगे गए, तो इस अरसे में ना इसने प्लान बना लिया। जब वो घर आई तो बजाय इसके भाग जाता, इसलिए गले पड़ गए, इसने उनको मार डाला, मार डाला कि किसी को पता ना चले कि किसने की है चोरी या किस ये क्या हुआ है। चोरियों का तुम्हें आदत कहाँ से पड़ गई? लाइफ भी ऐसी थी। क्या दोस्त ऐसे थे ना, कुछ दोस्त कुछ ऐसे थे तो दोस्तों को चोरी करके बताते थे मैं चोरी करके आया हूँ, ये पैसा वैसा ये जो सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या जो अच्छे कपड़े लेता हूँ ये चोरी से लेता हूँ? नहीं। हाँ नहीं। तुम्हें तो पता कैसे लगता था यहाँ जहाँ इन्होंने पैसे रखे हुए हैं? पता नहीं था, बस अपने अंदाजे थे। देखते रहते थे तुम, सेन से नजर आता था उनका घर? हाँ जी। हाँ आता, छत से आते थे, छत से जाते थे तुम? हाँ। हाँ। यार छोड़ देते तुम उसे, भाग जाते, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करते और उस तीन बच्चों की माँ को भी ना मारते। देखें नाज़रीन इसकी अब एज देखें, इसकी इसके मामलात देखें और इसका जो तरीका वारदात देखें, ग्लव्स पहन के ये चोरी करने जाता है, फिर अगर पकड़ा जाता है तो फिर उसको गिरा कर गले पर बेरहमी से गाड़ी चला रहा था। कुछ सोच सकता है जिस जितना मासूम ये अभी लग रहा है, काश ये मासूमियत उस वक्त इसके इसके दिमाग पे आ जाती, माफी मांग देता, भाग जाता, उसको मारता ना। लेकिन इसने बड़ी बेरहमी से एक बेगुनाह की जान ली है। खुदा रा ऐसे मामलात से बचें ताकि आपके वालदैन को आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचे और आपका अंजाम ऐसा ना हो जैसा इस तरह के मुल्जमों का होता है।